लेट्स चेक नाउ कि इतना मॉइस्ट है, माशाल्लाह मज़े के ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। आज हम चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं जो बहुत इजी है और क्विक तैयार होने वाला है। तो इसमें मैंने एक कप जो है मिल्क लिए, ये रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वेनीगर डाल रही हूँ। ये बटर मिल्क हम बना रहे हैं तो ये हम पहले बना के साइड पर रख लेंगे। अब हम एक सॉफ्ट बाउल लेंगे और उस पर हम इस तरह स्ट्रेनर रखेंगे। तो ये मैंने घर में पिसी हुई चीनी जो है 1 कप ली है, इसको मैंने पीस लिया है। तो ये ऐड करेंगे इसमें। अब 1 कप हम इस तरह भर के मैदा लेंगे। जितनी चीनी लेंगे उतना ही हम इसमें मैदा लेंगे। अगर आप कम करना चाहें तो चीनी इसमें थोड़ी कम कर सकते हैं। अब 1/2 कप हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। अगर आपने डार्क कलर का थोड़ा बनाना हो तो 1/2 कप डालेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें 1/4 भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा जाएगा इसमें। अब हम इनको इस तरह स्टेन कर लेंगे। देखें इस तरह फिर जो लम्स होते हैं वो लम्स नहीं बनते हैं। इस तरह इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप जो है ऑयल या देसी घी, मैंने देसी घी लिया, आप ऑयल लें या घी लें कोई भी आप ले सकते हैं। अब इसी बर्तन को मैं जिस मोल्ड में मैंने केक डालना है उसमें मैं ऐसे उल्टा कर दूंगी तो इसका जो ऑयल है एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें निकल जाएगा, हमें फिर उसी से हम ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें वो जो मैंने बटर मिल्क तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस के डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए काफ़ी इसमें ऑयल था जो कप मैंने डेला था, तो अब हम इसको इसी तरह ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। इसमें ये पेस्ट जो है वो पोर कर लेंगे। जब इसमें पोर कर लें तो इस तरह टैप टैप कर लें और साइडों पे थोड़ा सा इस तरह, ये एक टिप है कि यूं लगा लें चाहे स्पैचुला की मदद से चाहे इसी तरह। इस तरह फिर ये दरमियान इस तरह डोम सा नहीं ज़्यादा बनेगा, ये इसकी बेस्ट टिप होती है। अब हम इसे बेक करेंगे। अगर आप ओवन में करेंगे तो 32-35 मिनट करेंगे, अगर आप चूल्हे पे करेंगे पतीले में करना चाहेंगे तो फिर आप 40-45 मिनट जो है ना इसको कुक करेंगे। अब हम एक बॉल में जो वाइट चॉकलेट लेके तो डबल बॉयलर में उसको हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से हमारा केक जो है वो राइज हुआ है। तो अब हम इसे थोड़ा प्लेट पे हम डाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह टिप जो है वर्क की है कि इसके ऊपर देखें सेंटर में कोई डूम नहीं बना, कितना अच्छे से राइज हो गया। और अब हमारी जो वाइट चॉकलेट जो हमने मेल्ट करने के लिए की थी वो मेल्ट हो गई है। अब हम उसमें 1/2 कप जो है वो क्रीम डालेंगे। तो जैसे थोड़ी सी ठंड जी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने फ्री में देखने में मिलेगी। तो ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है जिसकी ज़रूरत होती है। चलें जी अच्छा लगता है सिंपल डिज़ाइन जितना। चलें जी अब हम इसे कट करते हैं तो चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना
इतना जो है ना अच्छा लग रहा है, और कट करने से पता चल रहा है कि कितना मॉइस्ट है। तो चलिए अब चेक करते हैं, खा के देखते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और चलें जी अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।